मुजफ्फरपुर में एक बड़ी घटना हुई है। मुजफ्फरपुर में जो जेडीयू के एमएलसी हैं दिनेश प्रसाद सिंह और लोजपा रामविलास की वैशाली सांसद वीणा देवी, उनके बड़े बेटे छोटू सिंह उर्फ राहुल राज की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। और ये खबर जैसे ही आई पूरे परिवार में और जो भी जानने वाले हैं समाज में चित्कार का माहौल उत्पन्न हो गया। अभी हम दिनेश प्रसाद सिंह और वीणा देवी के आवास पर हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि भीड़ भाड़ लगी हुई है। जिनको भी ये जानकारी मिल रही है कि जो जेडीयू एमएलसी हैं दिनेश प्रसाद सिंह, उनके सुपुत्र की मौत हुई है, तो यहाँ पर लोग जानने आ रहे हैं, यहाँ पर पूरी घटना जो वारदात हुई है उसके बारे में जानकारी लेने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कर्जा थाना क्षेत्र के विंदेश्वरी पेट्रोल पंप के पास बुलेट से जा रहे थे छोटू सिंह और किसी गाड़ी ने उन्हें जोरदार टक्कर दी, उन्हें रौंद दिया और मौके पर ही उनकी मौत की खबर है। ये खबर बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और सच में आप कह सकते हैं कि दुखद खबर है, दिल को झकझोर देने वाली खबर है, क्योंकि एमएलसी हैं दिनेश प्रसाद सिंह और जो माता हैं उनकी, वो सांसद हैं वैशाली की वीणा देवी, उनके बड़े सुपुत्र राहुल राज उर्फ सोनू सिंह छोटू सिंह की यहाँ पर दुर्घटना में मौत हुई है। जो परिवार के लोग हैं उनके अंदर चित्कार का पूरा माहौल बना हुआ है और शोक का पूरा माहौल है। अभी SKMCH में बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहाँ से कहा जा रहा है कि गांव ले जाया जाएगा उनके शव को और वहाँ पर दाह संस्कार किया जाएगा। तो ये पूरी विधि जो होगी अंतिम संस्कार की, वो कल होगी। और अभी घर के अंदर उनकी बहन है कोमल सिंह, जो कि गायघाट विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी रह चुकी हैं, और वीणा देवी और दिनेश प्रसाद सिंह, जो कि बताए जा रहे हैं कि SKMCH गए हैं और वहां पर जो शव है उसकी जो पोस्टमार्टम है उसकी प्रक्रिया अभी हो रही है। और जैसे ही वहां से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हो जाएगी उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। और ये पूरा घर के आसपास का माहौल है जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हमारे साथ आदित्य हैं जो कि पत्रकार हैं यहाँ पर, इनको सूचना मिली, ये सबसे पहले यहाँ पर आए, तो क्या कैसे सूचना? जो सूचना अब तक की जो वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा जो सूचना बताई जा रही है, जिसमें सबसे पहले जो पुखड़ेरा पेट्रोल पंप के पास यह घटना घटी है, जहाँ ये बुलेट से जो है कहीं जा रहे थे, जिस क्रम में अनियंत्रित वाहन द्वारा जो पिकअप बताई जा रही है कि पिकअप के जो है आ रही थी, जिससे इनकी सड़क दुर्घटना में ही मौके पर मौत हो गई है। जिसके बाद आनंद फानंद में पहले इन्हें सरैया PSC ले जाया गया है, जहाँ से उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए अभी मेडिकल कॉलेज भेजा गया। जी, PSC में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जैसा कि जो आसपास के लोग थे जैसे जानकारी मिली कि गाड़ी भी वहां पर गिरी हुई थी, जो बुलेट है वो भी क्षत विक्षत है और इनका शव भी वहां पर क्षत विक्षत पूरी तरह से पड़ा हुआ था, खून से लबालब था। तो जोरदार टक्कर कहा जा रहा है कि पिकअप, हालांकि ये अज्ञात वाहन है, अभी तक इसके बारे में कुछ पता चला नहीं है। पुलिस CCTV खंगाल रही है और पुलिस पूरी घटना की जानकारी लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर आप देखें तो दिनेश प्रसाद सिंह, जो कि खुद MLC हैं JDU के, जनता दल यूनाइटेड के, और जो वीणा देवी हैं वो सांसद हैं वैशाली की, उनके सुपुत्र हैं और बुलेट से जा रहे थे, वहाँ पर ये घटना हुई है, बड़ी घटना, और मुजफ्फरपुर में उनके आवास के पास ही हैं हम। और यहाँ देखिए कि बहुत सारे लोग, क्या सूचना कैसे मिली है? देखिए, सोशल मीडिया द्वारा हम लोगों को सूचना मिली, माननीय दिनेश बाबू मेलसिक जी के बड़े लड़का और वैशाली सांसद श्रीमती वीणा देवी जी के लड़का, बड़े लड़का, पोखरेरा कर्जा की तरफ जा उधर से लौट रहे थे बाइक से, अचानक एक अज्ञात ट्रक द्वारा ठोकर लग गया, जिससे घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इससे बहुत संवेदना हम लोग व्यक्त करते हैं। पूरे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में शोक का एक माहौल बना हुआ है, देख सकते हैं कि पूरे जिला भर के लोग यहां पर जुटे हुए हैं, हम लोग भी आए हैं संवेदना में यहां पर मिलने। अभी शव कहां है ये जानकारी? अभी मेडिकल में पोस्टमार्टम हो रही है, पोस्टमार्टम होके यहां से सीधा गांव जाएगी उनके पृथ्वी आवास गांव पर, और सुबह में जैसा कि जानकारी हम लोग को मिले हैं सुबह में अंतिम संस्कार यहां बॉडी को नहीं? जी नहीं, यहां नहीं, सीधा डायरेक्ट गांव में जाएगा।
तो सुना आपने कि इनके पैतृक निवास में जो पारू में है वहाँ गांव में ही ले जाया जाएगा शव को, जैसे शव का पूरी तरह से पोस्टमार्टम हो जाता है। और देखिए पुलिस पूरी जानकारी इकट्ठा कर रही है, कई थानों की पुलिस लगी हुई है और जानकारी इकट्ठा कर रही है कि किस गाड़ी ने उनकी बाइक को टक्कर मारा और किस तरह से ये दुर्घटना हुई। ये घटना हुई सड़क दुर्घटना में उनकी हालांकि स्पॉट पर ही मौत हो गई, लेकिन जैसे ही आम लोगों को स्थानीय लोगों को पता चला, आनंद फानन में उन्हें स्थानीय पीएचसी में ले जाया गया। वहां पर जो डॉक्टर थे उन्होंने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसके बाद ये खबर पूरे जंगल के आग की तरफ फैल चुकी है। आप देख सकते हैं कि घर के पास हम अभी मौजूद हैं और घर के पास का नज़ारा आप एक बार देखें, चारों तरफ गाड़ियों की लाइन लगी हुई है जिनको भी सूचना मिल रही है। क्योंकि देखिए ये राजनीतिक परिवार है, दिनेश प्रसाद सिंह जो कि राजनीतिक महकमे में अपना एक बड़ा दबदबा रखते हैं, वहीं एलजेपी रामविलास की सांसद हैं वीणा देवी, और दो बार ये दूसरी बार वो सांसद बनी हैं। तो अभी जो शोक का माहौल है पूरे इलाके में और पूरे ज़िले से, जैसे जैसे लोगों को ये जानकारी मिल रही है, पता चल रहा है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो शव है उसको पोस्टमार्टम के बाद सीधे गांव ले जाया जाएगा, यहाँ नहीं लाया जाएगा, और कल सुबह अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी की जाएगी। तो दुखद घटना जो कि मुजफ्फरपुर से निकल के सामने आ रही है, जेडीयू एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह और वैशाली सांसद वीणा देवी के बड़े सुपुत्र राहुल राज उर्फ छोटू सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे, सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हुई है। तो बने रहिए, आगे भी इस खबर पर हम आपको पूरा अपडेट देते रहेंगे। हमारे सहयोगी अब्दुल जब्बार के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।